ये सनसनीखेज खुलासा 100% सत्य है कि समोसा भारतीय व्यंजन नहीं है, लेकिन चमकीले तेल में गहरा तला हुआ ये गर्मा गर्म नमकीन पकवान हम तक कैसे पहुंचा? इसका किस्सा भी बहुत दिलचस्प है। पेश है समोसा इतिहास की थाली से। भारत में समोसा शायद सबसे ज्यादा पसंदीदा शाकाहारी नाश्ता है। जहां उत्तर भारत में समोसे का बड़ा रूप दिखाई देता है, वहीं भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में छोटे और मीठे समोसे बनते हैं, जिन्हें सिंघाड़ा कहा जाता है। और थोड़े नीचे चले जाओ तो दक्षिण भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे कीमा समोसे बनते हैं। आमतौर पर भारतीय समोसा मैदे की एक त्रिभुजाकार आकृति जैसा होता है, जिसके अंदर भरा जाता है उबले आलू, हरे मटर, हरी मिर्च और मसालों का मिश्रण। फिर इस पूरी सामग्री को गर्म तेल में तला जाता है, तब तक जब तक कि ये सुनहरा हल्का भूरा ना हो जाए। और ज्यादा मजे के लिए इसे पुदीने और इमली की चटनी के साथ गर्मा गर्म खाया जाता है। लेकिन अगर समोसा भारतीय नहीं है तो कहां से आया? ईरानी इतिहासकार अबुल फजल बेहागी ने अपनी किताब तारीख बेहागी में समोसे का जिक्र किया है। इस हिसाब से समोसा तकरीबन 10वीं सदी में मध्य पूर्वी एशिया में पैदा हुआ था, जहां उसे संबोसा कहा जाता था। 10वीं सदी से 13वीं सदी की अरबी पाकशास्त्र की किताबों में समोसा को संबोसा का नाम दिया गया है, जो कि फारसी शब्द संबोसा से काफी मिलता जुलता है। इजिप्ट, सीरिया और लेबनन में अब भी ये उच्चारण प्रचलित है। पारंपरिक संबोसक अर्धचंद्रकार होते थे, जिसमें मांस, प्याज, किशमिश या शायद सूखे मेवों का मसाला भरा जाता था, और फिर इस सारी सामग्री को तेल में तला जाता था। वाह, सुन के ही मुंह में पानी आ गया। लेकिन क्या भोजन को तलने की कला भी भारत में बाहरी देशों से आई थी? वैसे माना जाता है 2500 ईसा पूर्व में तलने की कला इजिप्ट में इजाद हुई थी, लेकिन यदि हड़प्पा में पाए गए तांबे के पात्रों और ऋग्वेद में वर्णित अपूपाओं यानी तले हुए मीठे जौ के मिष्ठान को नजरअंदाज नहीं किया जाए तो ये मानना अनुचित नहीं होगा कि भारत में तले हुए भोजन का चलन प्राचीन काल से ही प्रचलित है। चलो तलना भूलना तो ठीक है, व्यंजन मिलेगा तो बनाने की विधि तो मिल ही जाती है। लेकिन अब ये देखा जाए कि आखिर ये लाजवाब समोसा भारत तक पहुंचा कैसे? 14वीं सदी में कुछ व्यापारी दक्षिण एशिया आए थे, मध्य पूर्वी एशिया से कई चीजें साथ में लाए थे। साथ में उनके चला आया नरम गरम सा समोसा, जो आने वाली सदियों में बस यहीं का होके रह गया। अच्छा, यहीं का मतलब मशहूर खुसरो अमीर भी हो गए इसके कद्रदान। किया खूब जिक्र जी भर के जब लिखे गए शाही पकवान। आईने अकबरी में इसको जब प्राप्त हुआ अच्छा स्थान, बन गया समोसा राजभोग, जनता की जान, राजा की शान। बाहर से भी कुछ यात्रीगण लिख गए समोसे के किस्से, उनमें से एक थे इब्ने बतूता जी, जो घूमे भारत के हिस्से हिस्से। हमारा प्यारा समोसा कई जबानों को खुश करता हुआ कई नाम भी हासिल कर गया। सिंगोड़ा है नेपाली तो समोसा म्यांमार कहे, मध्य एशिया समसास पुकारे, जम्मू कस पुर्तगाल कहे, अफ्रीका में संबोसा बनके ये काफी फूला फला, संबोसा कहलाया ये जब इसराइल की ओर चला। पर एक बात तो है कि भारतीय समोसा अपने सारे विदेशी भाई बहनों में से सबसे ज्यादा मशहूर है। मगर क्यों? क्योंकि यहाँ के समोसे में मेरा राज है। दिखने में ना सही लेकिन स्वाद में तो आलू ही सरताज है। यूरोपियों ने आलू खोजा जाके दक्षिण अमरीका, स्पेनी जहाज से आया था करते हुए चीका पीका, पर मीठा आलू मिला उन्हें ना के तुम जैसा फीका फीका, समझे मिस्टर कोस्टारिका। तुम्हारा मतलब मेरी छोटी बहन शकरकंदी? बिल्कुल सही पहचाना, मीठी मीठी शकरकंदी, जिसे मूल अमरीकी बटाटा कहते थे, और तुम्हें पापा। पापा? किसका पापा? मुझे तो लोग आलू, पटेटो और बटाटा कहते हैं। क्योंकि सन 1597 में अपने समय के जाने माने वनस्पति विज्ञानी जॉन जेरार्ड ने गलती से पापा को बटाटा बता दिया। सन 1498 में आलू भारत आया पुर्तगाली बनके, लेकिन सन 1850 जब आए अंग्रेज हमारे आसपास, आलू को बनाना सिखलाया, चलो कुछ तो अच्छा दिखलाया। अब बाहर से आया आलू और बाहर से ही समोसा भी, पर इन दोनों को एक साथ सिर्फ हमने ही परोसा भी। तुम आए चाहे जहाँ से भी, हमने इतना प्यार जताया है, राजशाही से आम जनों तक चटखारे लेके खाया है।
Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.